हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गुलबाग 786। वैसे तो मेरा चैनल गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो का है, लेकिन मैं कुछ एक रेसिपीज़ इसमें खाने की भी शेयर करती रहती हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन रोटी की रेसिपी, जिसे हमने नाम दिया है केक रोटी। ये बनती है आटे से, मैदे से नहीं। इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स डलते हैं वो हैं मीठा दही, आटा, शक्कर, मलाई, फुल क्रीम दूध, नमक और सोडा। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मीठा दही, उसके लिए ली है 1/2 किलो शक्कर। आप चाहें तो शक्कर को कम कर सकते हैं। आटा हसबे ज़रूरत डलेगा, जैसे जैसे आप इसका डो बनाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे, और जब ये अच्छा मुलायम डो बन जाएगा तो फिर उसमें आटा नहीं डालेंगे। ये मलाई भी इसमें मिलाएंगे, दूध मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, लेकिन सोडा जिस स्टेज पर मिलाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम पतीले में डालते हैं दही। अब इसमें डालेंगे शक्कर। ये मैं सल्फ़र फ्री शुगर इस्तेमाल करती हूँ, अगर आप चाहें तो शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। मैं भी थोड़ी कम डाल रही हूँ, 1/2 किलो नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे नमक, सोडा अभी नहीं डालेंगे, और डालेंगे फुल क्रीम 200 ml मिल्क और मलाई। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर चढ़ा देंगे गैस पर, और इसको हल्का हल्का गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि शक्कर थोड़ी मिल जाए। ये देखिए, कुछ काफ़ी हद तक शक्कर इसमें मिल चुकी है, हल्का हल्का सा कुनकुना गर्म हुआ है। इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो ये पनीर बन जाएगा, इसलिए इसको हल्का गर्म करना है। और अब इसमें डालेंगे सोडा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसे मिक्स करते जाएंगे। अब मैं इसे हाथ से मिक्स करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये रोटी का डो हो गया है तैयार। अब इसमें थोड़ा सा घी का हाथ लगाएंगे और इसको और सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। अब इसको 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरीके से ढक कर रख देंगे। फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसकी नरम मुलायम रोटियां। ये देखिए व्यूअर्स, ये रोटी का डो हो गया है अब बिल्कुल तैयार। अब इससे मैं बनाऊंगी नरम मुलायम रोटियां। अब इसकी लोइयां तोड़ेंगे, जितने बड़े साइज़ की आपको रोटी बनाना, बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनाना है, मीडियम साइज़ की रोटी बनाना है। ये मैं आपको रोटी बेलकर बताती हूँ और इसको सेंकना बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मेरी रोटी बेलकर हो गई है तैयार। मुझे ध्यान नहीं रहा, एक रोटी मेरी सिक चुकी है, वीडियो बनाने की मुझे याद नहीं रही, फिर मैंने दूसरी रोटी बेली जब इसका वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको बिल्कुल सेम आँच पर तवे पर डाल रही हूँ। अब इसे सेकेंगे। ये देखिए, मैंने रोटी को पलट दिया है, अब इसको धीमी आंच पर ही शुद्ध घी में सेकेंगे। मैं घर का बना हुआ शुद्ध घी इस्तेमाल करती हूँ, इसमें घी थोड़ा ज़्यादा डलता है, तभी ये थोड़ी सॉफ्ट और मज़ेदार लगती है। इसको बिल्कुल धीमी आंच पर सेकेंगे। इस रोटी को आप चाहें तो जब आपको खाना हो तब भी बना सकते हैं, वो बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। इसको बनाकर एक एयरटाइट डब्बे में कांच के बर्तन में रखिए या स्टील के बर्तन में रखिए, फ्रिज में स्टोर करिए। मैं तो इसे इकट्ठे बनाकर रखती हूँ, कम से कम 10-12 रोटियाँ, क्योंकि मैं हूँ वर्किंग वूमन, मेरे पास है टाइम की कमी,
इसलिए मैं एक बार में 10-12 रोटियां बनाकर रख देती हूँ, और फिर जब ज़रूरत होती है उसके मुताबिक शाम की चाय के लिए या सुबह चाय के साथ इसके एक पीस गर्म करके माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ, या फिर अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो आप तवे में भी गर्म कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मेरी रोटी हो गई है तैयार, नरम मुलायम सुर्ख सुर्ख रोटी। इसको आप ब्रेड, बिस्किट, शीरमाल किसी की जगह भी खा सकते हैं। ब्रेड में, बिस्किट में, शीरमाल में, हर एक में मैदा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये गेहूं के आटे से बनाई गई है और इसमें दही है, दूध है, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। इसको आप चाय के साथ खाइए, कौरमे के साथ खाइए, दोनों ही चीज़ों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। इसको खा के आप ब्रेड, बिस्किट, शीरमाल सब भूल जाएंगे। ये देखिए एक रोटी और सिक रही है, ये थोड़ी मैंने थोड़े बड़े साइज़ की बनाई है। अगर आपको खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग्स होती हैं तो बाज़ार की नकली मावे की मिठाइयाँ खाने से बेहतर यह है कि आप इस रोटी का एक पीस खा लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। रमज़ानों में मैं हमारे घर में कोई शीरमाल नहीं खाता, मैं यही रोटियां बनाकर रखती हूँ, और सेहरई में सब चाय के साथ यही रोटी खाते हैं। व्यूअर्स, मेरी कितनी सारी रोटियां हो गई हैं तैयार। इस रोटी को बनाने के लिए एक रोटी और देखिए तवे पे डली हुई। इस रोटी को बनाने के लिए ख़ास टिप्स मुझे आपको बतानी थी, वो ये हैं कि इस रोटी का हल्के से सिकते से ही, पलटते से ही इसमें घी डाल देते हैं। जैसे हम पराठा बनाते हैं तो पराठा बनाने के लिए थोड़ा पराठे को सेक लेते हैं उसके बाद घी लगाते हैं, लेकिन इसमें सिकने से पहले ही घी लगाना है, तभी ये सॉफ़्ट होगी। अदरवाइज़ ये पराठे की तरह हो जाएगी, उतनी सॉफ्ट नहीं रहेगी, और थोड़ा घी ज़्यादा भी डलता है इसमें, पराठे के हिसाब से इसमें ज़्यादा घी डलता है। बस अगर आप इसमें ज़्यादा घी डालेंगे और जल्दी इसको इस स्टेज पर ही घी लगाकर सेक लेंगे तो ये बहुत अच्छी नरम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी। इन रोटियों को मैं या तो पिज़्ज़ा कटर से या फिर नाइफ़ की मदद से इनको ऐसे काट लेती हूँ। अगर नाइफ़ से सही ना कटे तो आप पिज़्ज़ा कटर से काटिए इस तरीके से, और इनके पीसेस डब्बे में स्टोर करके रख दीजिए, और जितनी ज़रूरत हो उतने पीस निकालिए, गर्म करिए और खाइए। और अगर आप ताज़ी बनाते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस रोटी की एक ख़ास बात यह है कि इसे बिना दांत वाले बच्चे और बिना दांत वाले बूढ़े दोनों ही बड़े मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था मेरा केक रोटी का वीडियो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस रोटी को बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। देखिए व्यूअर्स, ये मेरी ढेर सारी रोटियां तैयार हो गई हैं, अब मैंने ठंडा करके काटूंगी और फिर एक स्टील के डब्बे में स्टोर कर दूंगी। इस रोटी से रिलेटेड मुझे आपको एक बात बतानी है, ये मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी नहीं है, ये मेरी एक फ्रेंड है, ये उनकी बताई हुई रेसिपी है। वो इस तरीके से ये रोटियां बनाया करती थी, उन्हीं से मैंने सीखा है और फिर मैंने ये रोटियां बनाना शुरू करी हैं। आजकल मेरी वो फ्रेंड बहुत ज़्यादा बीमार है, उन्हें एक लाइलाज बीमारी हो गई है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उनके लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएँ, पता नहीं अल्लाह पाक किसकी दुआ सुन ले और वो ठीक हो जाएँ। इसलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उनके लिए दुआ कीजिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।